তোমার প্রত্যয় তোমার মাতাল আমি তোমাকে অনুসরণ করছি। শব্দ ও শব্দ মে আহ্বান করা হো মেরে গর্ভবক্ষ কি মেরে গর্ভবৃক্ষ কি শাখে মেরে মৌন সে গপগপা রহি হ্যাঁ मौसम में नमी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की हरकत कर रही है। मेघ की गर्जना के कारण साथ में घर में सोया शिशु ठहरे जल में भीगे कंकर से कंकर जितनी लहर लगती है उत्तम घर थरथरा जाता है। उसकी माँ उसे अपनी गोद में लेकर बार बार इस कारण बार बार उसे चुप करा रही है। इस कारण उसकी कांच की चूड़ियाँ एक दूसरे से उदाहरण भर संभाल कर बैठती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो दृश्य एक समान गति से चल रहे हैं। अनंत बोध तरंगों में मुझे होने ना होने का संबल दे रहा है। लीला ध्वनि के कटोरों को शब्दों के भंग होने ना होने के रिसने को भर रही है। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे हृदय के तालाब में एक नौका जल को अपना अनुभव मानती हुई अकेली दूर तक जाए। जब वो रविंद्र संगीत का परिचय पाकर दिशा भ्रमित ना हो पाए यह एक चेष्टा है और इसी चेष्टा में मेरे हृदय के शब्द भंग हो जाए सारे कष्ट और अपूर्णताएं। मैं प्रार्थना करता हूँ पृथ्वी के प्रत्येक कण से मेरे हृदय में उद्घाटित प्रतीक शब्द भंग हो जाए ताकि मेरे हृदय का मौन भी भंग हो जाए। शब्द टूटा अर्थ ने एक भंगिमा भंग की अर्थ बिगड़ा शब्द सबुचा गया। मौन ट्राम के दूसरे डब्बे में सवार भर रहा था अपनी आंखों में संसार भर की वो संसार भर के अधूरे वाक्य जो आत्मनिवेदन में गर्दन झुकाए मुरझा गए थे। शब्द का भंग हो जाना ही जैसे संभव है मौन के भंग होने के लिए। दृश्य भी बदल जाता है कहीं तार खींचता है सितार का और सन्नाटा थरथरा जाता है। आमोदी ही प्रेसिडेंट से कॉलेज में बाहरे ओके क्या कुछ आमोदी ही प्रेसिडेंट से कॉलेज के बाहर प्रतीक्षा कर रही है। आमोदिनी को हर उस जगह होना ही होगा जहाँ जहाँ एक कवि की बुलावट अपनी कल्पना को लिपिबद्ध कर रही है कि यही एकमात्र संबंध है दो परिचित अपरिचितों का जो एक अर्थ को उसके समूचे वाक्य तक पहुँचाने की यथार्थ माया रचती है। शंख कोश एक आयाम में रहते हुए भी कई आयामों को बुन रही है। सब घट रहा है लेकिन घटना बेलगाम है। सब कुछ के घटने में अनजाने के सत्य दुखों के साथ जाने के असत्य सुख भी शामिल है। कहीं एक तार फिर से खींचता है सितार का और सन्नाटा फिर से थरथरा जाता है। एक बार यह सन्नाटा सड़क किनारे लगे लैंपपोस्ट की गुनगुनी रोशनी में खुल जाता है। सड़क के किनारे नीम का वृक्ष विशाल वृक्ष है। लोग कहते हैं कि यह वृक्ष उन घटती घटनाओं का साक्षी है जो हर कुछ दिन या महीनों में जीवन के सबसे क्रूर सत्य रूप में घटती रहती है। जैसे इन घटनाओं का क्रम पहले से तय हो जैसे क्रमों में घटती घटनाओं को बाकायदा कागज पर लिखा जा रहा हो। यह वृक्ष अपने होने को लेकर सावधान नहीं है। इससे टकरा रहे वाहनों की असभ्य निशानदेहियां अक्सर ही इसका विरोध कर देती हैं। शब्द कोश इस वृक्ष के मर्म को अमीधा में भी समझते हैं। उसी वृक्ष की कुछ दूरी पर प्रेसिडेंसी कॉलेज है जिसके बाहर चाय वाला गर्म चाय के साथ मैदे और नमक की बनी कतारें और चाशनी की खोल और मक्खन से लिपटी कुछ गोल आकृतियां स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में दे रहा है। आमोदिनी ने शंख घोष का अनुसरण करते हुए इस व्यंजन की खुशबू को पहचानना चाहा लेकिन शंख घोष को रिक्त तिक्त और विरक्त भाव इस कदर आनंद देता है कि वो आमोदिनी से टकराकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के भीतर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ गेट पर तैनात मनुष्य उच्च प्रतिभा से संपन्न है। साहित्य की समझ उसे रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हुए प्राप्त हुई। वह लोही का बड़ा गेट बंद कर देता है और आमोदिनी का नाता शंख घोष से ऐसे टूट जाता है जैसे रस्सी बिना किसी सौंदर्य को बचाए टूट जाती है। आमोदिनी प्रेसिडेंसी कॉलेज में बाहरी अपेक्षा पहुंच गई। अचंभित क्षण के पहरे में प्रतीक्षा एक टका सा टूटता है। वह की काली मध्य रात्रि में नायिका के नेत्र अभिसार के क्षणों में उतने ही शांत है जितना शांत हुगली का जल हो सकता है या फिर एक प्यासे पाखी जैसे सूखे और बुझे। इसको मैं थोड़ा छोटा करके पढ़ रही हूँ ताकि सब बदल में ज्यादा झिंगुर और चंद्रमा बगैर किसी सामंजस्य की कविता में एक चरित्र बन रहे हैं। मैं तुम्हें मृणाली ही कहकर पुकारना चाहता हूँ।
आलू टमाटर बनाने में बाले डालते जाए। सूखे कट और भरे पेट शंख गोश रात के तीसरे पहर छोटे बड़े कई असंतोषों को कागज पर कलम से घिस रहे हैं। प्रेम है कि कविता की प्रथम पंक्ति ही बनना चाहता है। यह प्रेम आमोदनी के बुनियादी अस्तित्व का अलंकार है। यह उसके लिए एक नवीन भाषा का चुनाव कर रहा है जिसमें रंग है, क्रोध है, सहचर की अनिवार्यता और कोलाहल भी है। शंख घोष ने इस तथ्य पर कभी उंगली नहीं रखी कि प्रेम कविता का प्रथम शब्द या वाक्य नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने हर उस तथ्य के विपरीत की रीति के हर नियम को भंग किया है जो किसी अन्य ऐसे नियम को अलावृत करता जिसे लागू करना आत्मविस्तार का दर्शन होता। दर्शन स्मृति में आया तो कुछ और अंधकार भी स्पष्ट होने लगे। यह देखिए ज्योतिर्मुखी लक्ष्य खासी आमोदनी तो शंख घोष की दार्शनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जाने का अर्थ उनके कवि हृदय की आमोदनी के प्रति दीर्घ बोध या उसके स्वतंत्र सौंदर्य को समग्रता के अधूरे पन में समझना रहा। आमोदनी में बोध की कामना एक अधूरे पन से प्रारंभ हुई। शंख घोष जिस अधिकार से उसे अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं उससे वह अधूरापन स्पष्ट होने के लिए तत्पर दिखाई देता है कि हर अधूरा पूरा ही होता है अपने में और उतना ही स्पष्ट और सत्य जितना बोध रचता है अपना ही रंग। शंख घोष लगातार नजरें झुकाए कलम खींच रहे हैं। उनके बंधुगण अपनी अपनी आरामगाह में तीसरे पहर की सबसे गाढ़ी नींद में होंगे इसके विषय में मैं नहीं सोच रही हूँ, लेकिन स्मृति की थकान में सोचती है। यह साधारण होने की असाधारण व्यथा है, यह साधारण होने की असाधारण कामना भी है। आमोदनी अपने कवि से मुक्त होने का स्वप्न अनजाने में देख रही है और कवि यह होते देख नहीं जा रही। उसमें उपेक्षा का भाव जन्म नहीं लेता, वह मुक्ति के मौन को राहत से परिचित है। परिचय ही भावना है अनुभूज इस रचना में जो स्वतंत्र होने की साधारण घटना का प्रतीक है। आमोदनी उसी स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसी की अनुभूज है। शंख घोष झिंगुर के अटपटे संगीत की लय को पकड़ पाने की सामर्थ्य रखते हैं। यह लय उनकी झुकी नजरों को आमोदनी की तरफ जाने ना देते हुए भी उसी के संकेतों की ओर बार बार ले जा रही है। झिंगुर लगातार अटपटे संगीत के जाल बना रहा है, यह कविता में एक चरित्र बन रहा है। इसका होना जीवन की मामूली अपूर्णताओं को एक नवीन स्तर दे रहा है। चंद्रमा की रोशनी उसी खिड़की से छट रही है जिसके बिल्कुल पास शंख घोष नजरें झुकाए कलम घिस रहे हैं। चंद्रमा बिना अनुमति किसी भी जगह होने के सौंदर्य का साक्षी बन सकता है। कवि की इच्छा अपने यथार्थ को सूंघ रही है और एक नया शब्द शंख घोष के चिर मौन में डूबे हृदय से फूटता है। मृणालिनी अम तमा के मृणालिनी बाले डालते जाए, पुकार ही अंतिम सत्य है। एक मामूली अचंबा रात में घिर आया, मुझे भंग कर दो और एक कविता बना दो, अमा के भोगों को कविता कर दो। आमोदनी की निर्मिति में क्रोध का अंश भी है। हालांकि सच्चे मोती की तरह ठंडी तासीर की शुद्धता उसे जन्म के समय में मिली थी। जिस समय शंख घोष ने उसे मृणालिनी कहकर पुकारा वह जान गई थी कि उसकी स्वतंत्र सत्ता ही उसके कवि का ही एक अधिकार हो सकती है। उसकी सत्ता उसके लिए हो सकती है, लेकिन उसका अस्तित्व उसके रचयिता की पूंजी है। उसने शंख घोष से इस विषय में वार्तालाप करना चाहा, लेकिन नहीं किया। उसने अपने कवि से प्रश्न करने चाहे, लेकिन नहीं किए। उसने यह भी चाहा कि वह क्रोध द्वारा शंख घोष की पुकार को खंडित कर दे, एक नया दर्शन गढ़े, लेकिन वह यह भी नहीं कर पाए। उसे लगा स्वतंत्र होना या महसूस करना भी उतना ही क्रूर किस्म का एहसास है जितना असभ्य है खुद को स्वतंत्रता के योग्य ना समझना। उसने मन ही मन में मान लिया कि वह अपने कवि के प्रति समर्पित हो जाएगी और समर्पण ही वह श्रेष्ठ भाव है जो किसी भी प्रारंभ की नींव होता है। निर्माण की अनुभूति पर साथ होने के सुख को दूर तक लिए चलता है। शंख घोष आमोदनी को भंग करने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हैं। आमोदनी कहती है हम आगे भूंगे दिए कविता को, अर्थात मुझे भंग कर दो और एक कविता बना दो। ना कोई संगीत है, ना कोई रौद्र और ना ही कोई चैतन्य का धागा। कामना बनी
उसने घर न चाहा, वह घड़ी केवल यही घटा। कविता संपूर्ण हुई, एक मामूली अजूबा उस रात में धीरे धीरे खिल रहा था। मुझे नहीं पता अब आपको ये अमूर्त में कितना समझ में आया है, लेकिन मेरे मन से यही नहीं है। मैंने आपको समझ दिया। और आभार, ये एक ऐसा समागम है जहाँ हम सब मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सीधे अपने आगे की तरफ आता हूँ और मैंने इसे छोटे नोट्स में बांट दिया है, तो जिससे समय थोड़ा बचे। जाने माने अंग्रेजी कवि आलोचक टीएस एलियट रचनाकरण की प्रक्रिया में परंपरा बोध अनुभवों और व्यक्तिगत प्रतिभा को बहुत महत्व देते हैं। सच ही कविता का भाव बोध अनुभवों और उसे प्रकट करने की शैली और काव्य कौशल पर तो निर्भर करता ही है। कविता का प्रभाव हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके पाठ के बाद पाठक के मानस पटल पर उस ठहराव को भी आमंत्रित करता है जो उसे कवि कथ्य के समीप ले जाकर आत्मचिंतन करने को भी प्रेरित करे। कवि शंग घोष ऐसे रचनाकार हैं जो उन भावों को व्यक्त करने का विलक्षण कार्य कर पाते हैं जो आम तौर पर रेखांकित नहीं हो पाती, मौन या गौण बना दी जाती हैं। शब्दों के मध्य के मौन को भी बताने की कला, कविता का वह संवेद स्वर जो एक्सट्रीम इमोशन से दूर है और जीवन दर्शन की समदृष्टि को रेखांकित करता है। संघोष सची एक साक्षात्कार में यह कहते हैं कि अनुभव के बिना लिखना संभव नहीं, और उस अनुभव को धारण और अभिव्यक्त करने के लिए बुद्धि और आवेग का समान रूप से मिलना जरूरी है। यह सम्मिश्रण हमें उनकी कविताओं में सहज ही मिलता है। संतता के अनुसार एक तो हमारा सत्य होता है और एक होता है समाज का सत्य, साथ ही समूचे जीवन का भी सत्य होता है, और जब तीनों सत्य एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तो संघर्ष बिंदु पर कविता का सत्य निर्मित होता है। संतता की कविताएं बहुत धीरेता से इसी प्रकार रची जाती हैं, उनके रचे जाने का स्थान भी गृहस्थ घर में ना होकर कहीं अन्यत्र ही होता है, नदी किनारे जीवन के बीच। कवि का संसार वैश्विक बंधुत्व और समरसता की आवाज को अपनी कविता निग्रो बंधु को चिट्ठी में प्रभावशाली रूप से बसाए रखता है, और अन्याय के मध्य न्याय की सटीक संवेदना हमें उनकी कविता हमको नहीं दी कोई आज भी में ध्वनित होती है, जब हम कहते हैं सारे स्वर मिलकर फिर खो जाते जाने का कंठहीन सारे स्वर आर्तनाद करते हैं, खोजते हैं हृदय पास आ अंगुलियों के करती हैं आर्तनाद अंगुलियां, नाच रहे ध्वंस का पानी के भीतर या कि बर्फीली ज्योतिमा कौन किसे समझाए, और करते हैं आर्तनाद अर्थहीन शब्द, और सुनते हो तुम मोचक हमको नहीं भी कोई आज भी, हमको नहीं भी कोई आज भी, हमको नहीं भी कोई मातृभाषा देश में। कवि का स्वर सबकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर लगाता है नया और शांति की आवाज। शांतता की कविताओं से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार शब्दों के उस अतिरेक से हम बचे हैं जो कथन को इतना वाचाल बना देता है कि कालांतर में उसकी सारगर्भता कम या खत्म हो जाती है। अपने भावों को बरबस व्यक्त करने का आवेग या भौतिक सुखों की असीमित लालसा क्या हमें इतना वाचाल बना कर रखती है कि हमारा वह व्यक्त शब्दों के अतिरिक्त बोझ को रचना पर लाद देता है। यहाँ पर शंकरा हमारे लिए शिक्षक प्रतीत होते हैं, उनकी कविताओं में हम एकांत पाते हैं तो ढेर सारे शब्दों के अतिरिक्त में नहीं होता। कभी होना उस करुणा बोध के सन्निकट भी होना है जो मनुष्यता के महीन से महीन देशों की रक्षा के प्रति सदैव चिंतनशील हो, ऐसी भावना जहाँ टैगोर ने हम सहजता में पा सकते हैं। स्वाभाविक ही वही गुरुदेव के मूर्धन्य विद्यार्थी शंग घोष में भी विद्यमान है। एक पाठक मन के तौर पर शंकरा की कविताएं बहुत परिश्रम मांगती हैं। यह परिश्रम कथन के कई आयामों की पड़ताल करने की क्रिया से मिलता है, यानी कि कहीं कहीं कवि का व्यक्त अपने सपाट अर्थों में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शब्दों के माध्यम से अपेक्षित उस संयमित मनन विचार में है जो एक बार और पढ़कर और ठहरकर सोचने से संभव हो सकेगा। संघोष की कविता में आप कुछ भी कृत्रिम नहीं पा सकते हैं, और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि उनका भाव जगत लोगों के बीच ही बना जाता है, आंखों में झांकते हुए परिस्थितियों के जिनमें मिथ्या कुछ भी नहीं, वह सजल सत्य है। आमतौर पर तुरंत बयान कर दिए जाने वाले उस भाव दृश्य के त्वरित प्रभाव के बिना, किसी अन्य निमंत्रित आवेग या गैर जरूरी आवेश के बिना,
करुणा और संवेदना के स्पर्शों से भरा हुआ सोचता हुआ वह कवि हूँ जो पाठक को सोचने और विचारने को प्रेरित करे और ठहर कर स्थिति का हाथ थामने को कहे। बिना अनुभवों के हाथ थामे आखिर हम कुछ भी कर भी कैसे सकते हैं। संकोची कविता हमें सजग बनाती हैं, सजग इस रूप में कि हम बार बार किसी भी भाव को व्यक्त करने से पहले स्वयं से यह पूछें कि क्या ये हमारे भाव हैं। अगर नहीं तो हम कितनी ईमानदारी से खुद के कवि को आगे रख पा रहे हैं या फिर नहीं। एक तरह से कवि की आत्मचेतना जो आलोचना से पहले आत्म आलोचना और समीक्षा करती है। नीक शीर विवेक की महत्ता कवि के साथ चलती है। अपनी कविता समझना में कवि हमसे कहते हैं कि कम से कम हम समझदार और मूर्ख में भेद कर सकें। न्याय और अन्याय में स्कूल के लड़के तो चौखट कर भी मारे गए, सच में ये समाज विरोधी थे। यह कवि का आत्मचिंतन हम सबका चिंतन बन जाता है। श्याम घोष का कवि विचारक वाल्टर बेंजामिन की उस पक्षपात का भी पक्षधर है कि रचयिता का दायित्व केवल अपने रचना निर्माण में सरस और सुखी भावों की सुव्याख्या तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे समाज के कटु सत्यों का प्रसारक और नैतिकता का प्रबल पक्षधर भी होना चाहिए। शायद आपको जान सकना उनकी कवि मन में अपनी उपस्थिति को भी महसूस करने में सफल होने जैसा है। वह इतनी गंभीरता और विचारशीलता से अपनी बात करते हैं कि बिना उस मेघ जैसे मनुष्य के पास ठहरे हम मेघ जैसे मनुष्य होने को नहीं जान सकते। उसी तरह शयन घोष एक ऐसा हस्ताक्षर है जिसकी लिखाई में समूचे विश्व की चेतना समाना चाहती है और उनका हर कुछ लिखा हमसे निरंतर धैर्य और उस गंभीर पाठ की मांग करता है जिसके बगैर हम यथार्थ को जानने की बात नहीं कर सकते। शयनदास के पास रचनाओं की एक ऐसी रोशनाई है जो पूंजीवादी प्रकृति की कृत्रिम और अति प्रबल रोशनी पर बार बार अपनी सुचिंतित प्रकृति की शक्ति से आघात करती है जिसमें घोर का उजाला घोर बना रहता है। इसी कृत्रिम और छलावे के उजाल से नष्ट नहीं हो पाता। कवि की गद्य भी कविताएं में भींजे हुए हैं। उन्हें पढ़कर यूं लगता है जैसे कवि के लिए सबसे पहली आवश्यकता और प्रतिबद्धता है आत्म साक्षात्कार। आखिर में कवि को जितना पढ़ सका उतना और सघन हुआ मनुष्य। ऐसे कवि सदा साथ रहते हैं। ये कवि वह अभिभावक हैं जो मार्ग की पहचान करते कराते हैं। शयनदास को पढ़ना शांत होने जैसा है, धीर धरने जैसा कुछ, ठहर कर विचार करने जैसा, हाथ थामने जैसा, शांतता को अपने भीतर उतारने जैसा, उसमें एक जैसे मनुष्य होने की अभिलाषा के जन्म लेने जैसा। आरडी एन शयनघोष जैसे कवि उस विशाल वृक्ष की छाया जैसे होते हैं जो ठहराव का मूल्यांकन करना सिखाते हैं और हमें लियो टॉल्स्टॉय की उस कहानी के उस दौड़ से बचा ले जाते हैं। आखिर कितनी जमीन जहाँ लालसाओं की दौड़ में कोई सुबह दोपहर और सांझ नहीं बचती। निराला की उस संवेदना को छूती हुई जैसे सीआईटी मोड पर बैठी भिक्षुक की अंतरात्मा को टूलती हुई छूती हुई अलाहाबाद में तोड़ती पत्थर की दिदिविशा से मेघ जैसा मनुष्य जो विनोद कुमार शुक्ल की कविता के उस आदमी से कभी मिल जाएगा तो जान सके उस हाथ के स्पर्श से करुणा का वास याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। अगले वक्ता के रूप में विशाल जी को आमंत्रित करते हैं। विशाल जी के आधार पर बने जो संगठन है, बनी जो पार्टियां हैं, बने जो दूसरे समूह ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक सीमा के रूप में मौजूद होते हैं और आपको फिर उसे भी पार जाना, आपको उसे भी पार जाना पड़ता है। शयन घोष की कई कविताएं ऐसी हैं जैसे कि स्वदेश स्वदेश किसे कहता है या बच्चे पकड़ने वाला बूढ़ा, इस तरह की कविताओं में वो एक जो बंगाल के नवजागरण से पैदा हुआ बंगाल में एक प्रगतिशील चेतना और उस विचारधारा की उपस्थिति है वो बहुत कुछ उसके आसपास से रचते हुए से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद वह भी उसकी भी जो सीमाएं हैं, उस विचार की भी जो सीमाएं हैं वो व्यक्त करते हैं और एक कविता उनकी है जिसमें वो उसे किसी खास तौर पर न देखा जाए तो वो कहते हैं कि किस दल के हो और आपकी जो समूची मनुष्यता है, आपका जो समूचा मनुष्यता को मदद करने का की परियोजना है वो सब अंततः अगर सेलेक्टिव है, अगर चुन करके है तो उसका एक सीमा के बाद बहुत महत्व नहीं। अपनी उनकी कविता में कोट करता हूं, वो कहते हैं कि भूखे के मुंह में निवाला रखने से पहले पूछो किस दल के हो,
पुलिस को पुलिस की गोली खाकर जो लौट गया है पत्थर पर, उसे खींचकर उठाने से पहले पता लगा लो दल कौन सा है। कविता के आखिर में आता है कि भिलाई में कौन मरा, किसका सिर उतना कीमती नहीं, कौन दौड़ रहा है छत्तीसगढ़ के गांवों की ओर, किसका सिर उतना कीमती नहीं है, झमझम नाच होगा किन रास्तों पर, किन रास्तों से आया जाया जा सकेगा तेजी से, फैसला सुनाने से पहले पता लगा लो दाग दो सवाल किस तरह का होगा। ये जो अपने समय में जो राजनीतिक मत है उनकी सीमाएं को इंगित करते हैं, और इस तरीके से समझने में बहुत सारी उनके बारे में दिक्कत होती है कि उनके पास शायद कुछ निश्चित मतवाद नहीं है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। उनके पास उनकी पूरी कविता को शुरू से लेकर के आखिर तक की कविता को पढ़ते हुए दो बिंदुओं की शनाख्त की जा सकती है जो केंद्रीय महत्व की है उनके विचार में। एक है पूंजीवाद और दूसरा है फासिज्म का विरोध। इन दोनों संदर्भों में जब भी वो बात करते हैं तो वो सांदर्भिक रूप से अपनी कविता में मौजूद जो 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 अंडरलाइन में कहने की उनकी प्रवृत्ति है उसकी तुलना में वो कविता में कुछ ज्यादा कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो पूंजीवाद है ये बहुत सारे कवियों के यहाँ आता है, बहुत सारे लेखकों के यहाँ आता है। शंख घोष इस मामले में विशिष्ट है कि उनके यहाँ ये जीवनानुभव से पैदा होता है, वो किसी किताब से किसी सिद्धांत से पढ़ करके उनके यहाँ नहीं पैदा होता। दोस्तों, ये पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद प्रकृति जिसके साथ मनुष्य लाखों वर्षों से रह रहा है, विकसित हो रहा है, हजारों सालों का हम जिस रूप में मनुष्य है इस रूप में हमारा खुद का इतिहास है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने की है कि हजारों सालों में प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, कोई जंगल, कोई पहाड़, कोई रेगिस्तान, कोई नदी खत्म नहीं हुई। लेकिन 200 सालों का, अधिकतम 150 से 200 सालों का हिंदुस्तान में पूंजीवाद का इतिहास है, और आप गिनने बैठेंगे तो शायद एक बार में गिन नहीं पाएंगे कि इन 150 से 200 सालों में कितनी नदियां गायब हो गई, कितने पहाड़ खप गए, कितने रेगिस्तान गायब हो गए, कितने जंगल गायब हो गए। तो ये जो पूंजीवाद की चीजों को लीन जाने की हवस है इसकी बहुत शिनाख्त करते हैं, और इसके मामले में वो खुल करके अपनी कविताओं में बात करते हैं। उनकी एक कविता है सूखा, सूख गए हैं सारे नदी नाले पोखर, पानी भरने आए थे जो वे पत्रहीन गाछ है, सामने झिमिला रही है रेत, सब रेत कर दिया है। सवाल इतना ही नहीं है, रेत भी अपने नहीं छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि इस दौर में सागरों में बहुत सारे कृत्रिम द्वीप बसाए जा रहे हैं जहां से बहुत सारे इलाकों से रेत खींची जा रही है। यही नहीं है अंत, यह तो शुरुआत भर है, इसके बाद वे ले जाएंगे सारी रेत, यह दुनिया इतनी खाली खाली पहले कभी नहीं रही थी। ये जो पूंजीवाद की ये जो हवस है जो हर एक चीज को ले जाने पर आमादा है, इसे अपने अनुभव से वो व्यक्त कर रहे हैं, किसी सिद्धांत के, किसी फॉर्मूले के, किसी किताबी भाषा में नहीं कह रहे। और आज हम लोग जब 21वीं सदी में 2022 में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं, तो ये बेहद स्पष्ट है कहने की और बार बार दोहराए जाने की जरूरत नहीं है कि इस पूंजीवाद ने, इस हवस ने किस तरह के अमनुष्यों को बढ़ावा दिया है। समाज की हर एक इकाई की और देश तक की सत्ता को कैसे कैसे अमनुष्यों को सौंप दिया है, कैसे कैसे फासिस्ट इस देश में मनुष्य बनने का स्वांग रच रहे हैं, लेकिन वो नाकामयाब है। इस पर निगाह है संघोष की अपने समय में, और ये देखेंगे कि ये वही सारी बातें हैं कि वो संघोष अपनी कविता में सांदर्भिक रूप से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं जो उनके सामान्य तौर पर स्वभाव उनकी कविता का नहीं है। और अरुण जी कह रहे थे कि महाकाव्य हिंदुस्तान में एक उपजीव्य काव्य की तरह है, इस बात को, इस तरह के मसलों को व्यक्त करने के लिए उन्हें फिर से महाभारत याद आता है और महाभारत का एक पात्र दुर्योधन याद आता है। तो एक फासिस्ट ताकत को व्यक्त करने के लिए वो दुर्योधन को रूपक के रूप में उन्होंने चुना, और इतना शानदार तरीके से, मैं उस कविता को पढ़ देना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक आधा मिनट का समय लगेगा, लेकिन वो इतनी कलमे करने वाली कविता है कि मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ दूं आपके सामने।
नारायण नहीं, मुझे तो मिल गई है नारायणी सेना। जितनी दूर जाने को कहता हूं चली जाती है, कभी भी कोई कूट तर्क लेकर नहीं आती मेरे पास। भाव लेश ही बस चल पड़ती है विनाश के लिए, अगर कहूं दिन वह भी कहती है दिन, जो कहूं रात तो यह भी कहती है रात। किस्मत 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 के दम पर मुट्ठी भर के भीतर कांपता है हंस, मैं हिमाचल शिरा से सागर तक बिखेर देता हूं त्रास। इतिहास बचता है कि नहीं बचता मेरी बला से, सारे मैदानों के जर्रे में मैंने अपने ही धर्म की धान बो रखी है। मैं किसी को भी हिस्सेदार सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आज सब लोगों से कहलवाऊंगा मैं ही गुंबद का शिखर हूं, मैं ही देश हूं, मैं ही समाज। तो ये कविता में जो साफ साफ कहने की, इतना मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि अपने आप को उन्होंने बदला है, कविता में अपने आप को उन्होंने संदर्भिक रूप से बदला है। और इसके साथ ही उनके यहां शंकर बोस के यहां जो महत्वपूर्ण कवि होता है वो मनुष्य की उस प्रवृत्ति को हो गया कैसे हो गया बस दो मिनट और दीजिए, मनुष्य के उस प्रवृत्ति की शिनाख्त करता है जो हमें मनुष्य बनाए रखती है। और उनकी एक कविता है कोलकाता, मुझे नहीं मालूम कि ये अनुवादक ने कोलकाता कर दिया है या खुद उनकी भी कविता में कोलकाता है, लेकिन जो अनुवाद मेरे पास उसमें कोलकाता है, तो उसमें लगभग बदलते हुए कोलकाता के, कलकत्ते के बदलते हुए चरित्र के बारे में एक भावनात्मक टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि ओ मेरी प्यारी अमीना बीबी, तू मुझे बात कर रखना, जिंदगी में अब कभी भी मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा। और कोलकाता प्रतीक बन जाता है, लगभग उसी तरह का रूपक बन जाता है जैसा त्रिलोचन के यहाँ आया है। चंपा उसी तरीके का भावनात्मक प्रतिरोध करती है कि कलकत्ते कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर भजन करेंगे। तो हिंदुस्तान का जो परिवेश है वो कलकत्ते में कोई आदमी कह रहा हो, उत्तर प्रदेश में कह रहा हो, राजस्थान में कह रहा हो, मध्य प्रदेश में कह रहा हो, कमोबेश उसमें बहुत अंतर नहीं है। बस एक और बात बाबर की प्रार्थना के बारे में जिक्र करना चाहता था लेकिन समय नहीं है, बस एक और बात कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा का एक कवि है रामस्वरूप किसान। रामस्वरूप किसान ने एक कविता लिखी है आ बैठ बात करा, सीरीज में है, 9 कविताएं हैं। और उन कविताओं में भारत में 20-25 साल पहले कम से कम खासतौर से राजस्थान में वह जो परिवेश है जिसमें एक पति एक पत्नी या परिवार में और दूसरे लोग साथ साथ तो रहते हैं, साथ साथ काम करते हैं, जीवन गुजार देते हैं, लेकिन वे संवाद नहीं कर पाते, वे दिल की बात नहीं कह पाते। बदले हुए समाज में आप देखेंगे कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी ये कोई अनोखी बात नहीं है। भले थोड़ा माहौल बदल गया है, शायद हम लोग ज्यादा बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन समय ने कुछ ऐसी बाधाएं पैदा की हैं कि मोबाइल आ जाने के बावजूद, बातचीत कर लेने की बहुत सारी स्वतंत्रता के बावजूद बात नहीं हो पाती है। शंख जी की, शंख घोष की एक कविता है इसलिए मुरझा गई हो, उसमें वो कहते हैं कि अपनी पत्नी या प्रेमिका या इसी तरह से जो भी है कि बहुत दिनों से तुमने बादलों से कोई बातचीत नहीं की इसलिए तुम मुरझा गई हो, आओ तुम्हारा मुंह पोछ दूं। सब लोग कला ढूंढते हैं, रूप ढूंढते हैं, हमें कला और रूप से कोई लेना देना नहीं, आओ यहां बैठकर पल दो पल हंसी उगाने की बात करें। सोचिए कि कितने लंबे समय से ये सारी बातें जो बेहद सहज बातें हो सकती हैं नहीं कर पाया है आदमी, और उसे एक तरह का अपराध बोध है, वो चाहता है कि आओ बात करें। इसी तरह की, लगभग इसी तरह की बात आप बैठ कर सीरीज में रामस्वरूप किसान करते हैं। उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो उस कविता में कहते हैं कि एक दूजे ने देखा कितना बरस बीत गया, सागे सागे देवते थका कितना नैणे नैणे रया आपा, पर देख नहीं सका एक दूजे ने, झूठ नहीं बोलू मैं तो नहीं देख सक्यो थारे तू जाने, माफ कर जो औसान इनी मिले हो ए दांत कद टूट गया थारा, पर थोड़ा बार आप बैठ गौर देखूं थड़े,
कदे भाजो भाज में आज इन गाड़ी भाज में जाओ। वो कहना चाहता है कि इस तरह की भाग दौड़ में ही कहीं जिंदगी बीत नहीं जाए, तुमसे बात नहीं की। कितनी आश्चर्यजनक बात है, एक पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं और बात नहीं कर सके। वो कविता में आगे भी कहता है कि मैंने तुमको ठीक से देखा तक नहीं, तुम्हारे ये बाल कब पक गए, तुम्हारे ये दांत कब टूट गए, तुमने ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दे रहा हूं। तो मनुष्य होने की भी कुछ त्रासदियां होती, समाज में होने की भी कुछ त्रासदियां होती, वो राजस्थान में भी है, वो बंगाल में भी है और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी है। तो दोस्तों और भी बात करनी है लेकिन समय नहीं है, दूसरे दोस्तों को पढ़ना है। बाबर की प्रार्थना जरूर पढ़ लेना चाहिए, वो अद्भुत अद्भुत कविता है, जो बहुत कम ऐसे कवि हैं, बहुत कम ऐसी कविताएं हैं जो इतिहास के नरेशन को बदल देते हैं। बाबर का जो नरेशन है हिंदुस्तान के इतिहास में, वो एक क्रूर, एक विजेता, एक तानाशाह और इस तरह के है, लेकिन शंकर घोष यहाँ आकर के वो एक पिता का जो रूपक बन जाता है। कई बार मुझे लगता है कि शायद शंकर घोष खुद है और वो कहते हैं कि मेरी जितनी भी उपलब्धियां हैं, हे पिता, हे ईश्वर, तुम उन सबको नष्ट कर दो, लेकिन मेरी संतति का स्वप्न बचा। बार बार ये कविता में टेक की तरह आता है कि संतति का स्वप्न बचा रहे, तो एक कवि इससे ज्यादा क्या बचा सकता है? अपने समय के, अपने संसार के, अपने समाज के स्वप्न को बचा दे। तो पाठ भी उनको कहता है कि स्वप्न ही इसमें सबसे बड़ा मसला है, और आज भी स्वप्न सबसे बड़ा मसला है, जिसे शंकर घोष भी बचाना चाहते हैं, पाठ भी बचाना चाहते हैं, हिंदी के भी कवि बचाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया भर के मनुष्य बचाना चाहते हैं, शंकर घोष बचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में सुधीर जी आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन का शुक्रिया इसलिए करूंगा, और चूंकि अशोक जी ने सबसे पहले वो कहा ही कि कई बार दबाव से भी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, शंकर घोष को मैं शायद इस तरह से नहीं पढ़ पाता अगर ये आयोजन नहीं होता या ये दबाव नहीं होता। शुरुआत में मैं इसको दबाव ही समझ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि जितना मैं उन्हें पढ़ पा रहा हूँ, मैं उनकी कविता में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, और तब एक बार तो मुझे लगा कि शायद मैं मना कर दूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं साहित्य का वैसा विद्यार्थी नहीं हूँ जैसे कि आप सब हैं। मैं सिनेमा का विद्यार्थी हूँ और उनकी कुछ कविताएँ भी मैंने पढ़ी थी, और फिर मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ता जा रहा था पर कहीं से भी उन कविताओं से मैं जुड़ नहीं पा रहा था। फिर मुझे अचानक याद आया कि एक बार भोपाल में कुमार शाहनी आए थे और बातों बातों में जब उन्होंने जिक्र किया था कि चार अध्याय जो उनकी फिल्म है उसमें शंकर घोष की आवाज़ में उन्होंने कुछ कविताएँ कही थी, तो मुझे ठीक हुआ कि मुझे मैं वो आवाज़ सुन चुका था जो इतनी भारी आवाज़ थी शंकर घोष की, और उसमें ठहराव था। मैं उस कविता का मतलब तो नहीं समझ सका था क्योंकि वो बांग्ला में थी, लेकिन फिर मैं सिनेमा के रास्ते ही शंकर घोष तक गया, जिसका जिक्र जोशना ने किया। बुद्धदेव दास गुप्ता ने साहित्य अकेडमी के लिए फिल्म बनाई थी शंख नाम से, और जब मैं उनको सुन रहा था तो उसमें वही जिक्र उन्होंने किया अपने बचपन का, वही घटना थी, और उसके बाद उसमें उन्होंने अपने बचपन का पूरा जिक्र किया कि उनके पिता ने उनको पढ़ने के लिए जो है वो नहीं जाने दिया था घर पर, कि वो पढ़ते थे लेकिन बंगाल का जो एक आबो हवा थी वो किस तरह से उन्होंने घर पर रहकर कि वो सब आया, तालाब की स्मृतियाँ, जल की स्मृतियाँ, और फिर एक रिफ्यूजी होने का एहसास। तो इसके बाद वो मुझे लगता है कि वो एक तटस्थ सर्जक की तरह से अपने समय को देखते रहे, और मैं फिर कविता में प्रवेश करता गया तो मुझे नहीं पता चला कि मैं कितना बेहतर लिख पाया या क्या लिख पाया, लेकिन मैं लिखता चला गया, और उसमें से कुछ अंश मैं कुछ अंशों का पाठ करूँगा। मेरा समय हो जाए तो मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा ख़त्म करने के लिए।
बहुत ही संक्षेप में अगर मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँ जितना मैं समझ पाया हूँ कि जो बंगाल की जो कला भूमि है जहाँ पर राजनीति भी उतने ही चाव से लोग उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, कला भी उतनी ही समृद्ध है और साहित्य भी उतना ही समृद्ध है। निश्चित तौर पर टैगोर का तो प्रभाव है ही, मगर उसके पहले भी बहुत सारे कारक और हैं। क्रांतिकारी चेतना भी है, सामाजिकता भी है, वहीं से बहुत सारे नाम आते हैं, वो चाहे सिनेमा के हों, रंगमंच के हों, राजा राम मोहन राय हों, ईश्वरचंद विद्यासागर हों, या इस तरह के तमाम लोग हैं, या फिर भक्ति परंपरा भी है। तो शरण घोष अपनी इस पूरी समृद्ध जो पृष्ठभूमि है वहाँ से आते हैं और फिर एक जगह पर आकर, क्योंकि वो टैगोर की परंपरा, टैगोर का इतना प्रभाव था, तो फिर बाद में वो टैगोर का ही अनुसरण या उसी परंपरा में वो चलते हैं। और एक और बात मुझे लगती है कि वो एक रचनाकार की तरह अपने आप को परिष्कृत करते चलते हैं, यानी कि वो एक लेखक के होते हुए भी बराबर एक यात्रा में बने रहते हैं और खुद से भी वो प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि शुरुआती मतलब वो कुछ अलग लिख रहे थे, तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि शुरुआत तो उनकी क्योंकि एक उम्र में विद्रोह की भावना भी बहुत तीव्र होती है, तो शुरुआत तो वहाँ से हुई और फिर वो सामाजिकी वो भी उन्होंने जैसे एक उम्र के साथ ठहराव आता है, सामाजिकता को लेकर अपने आसपास के समय को लेकर भी उससे वो टकराते रहे, और फिर वो किसी हद तक दार्शनिक चेतना तक या आध्यात्मिकता तक भी जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्ञान परंपरा को वो बहुत हद तक आत्मसात करते हैं, न सिर्फ देशज ज्ञान परंपरा बल्कि वो नीचे या विकास हो या रिल्के और हिंदी कवियों तक भी और तमाम अन्य भाषाओं के कवियों को भी पढ़ते हैं और बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, जो कि उनके आलेखों में वो आया है। तो मुझे लगता है कि वो शब्द की जो मौन चेतना है जिस पर कि सबने बात की, उस तक वो जा पहुँचे और वो शब्द की मौन चेतना में विश्वास करते गए। इस तरह से वो तीन तरह से मैं उनको अपने समय में देखता हूँ। शरण घोष की कविता क्या है? क्या वो समाज के निचले और मध्य वर्ग की समानता, न्याय, पीड़ा और संघर्ष की करुण पुकार है? या वह अपने संपूर्ण रूप में बंगाल की उर्वर कला भूमि से निकला हुआ, कलात्मकता के आवरण में लिपटा हुआ, शिल्प और शब्द के सम्मोहन में डूबा हुआ एक दार्शनिक स्वर है जिसे अपने समय और समाज की चिंता है? सच्चे और मानक अर्थों में शरण घोष की कविता बांग्ला के साथ ही भारतीयता की उजास लिए सार्वभौम सामाजिक चिंतन की कलात्मक दार्शनिक मानवीय अभिव्यक्ति की कविता है। उनकी कुछ कविताओं को पढ़ते हुए एक भ्रम की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी जिसे आम या पहली बार पढ़ने वाला पाठक फौरी टिप्पणी के अर्थ में कला की बेचैनी से जोड़ देगा, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि कला और कल्चर का एक विराट फलक, शब्दों की मटियारी महक, भावनाओं का संयमित आवेग, राजनीतिक शोर की आहट और सामाजिक बसाहट का वितान शरण घोष की समृद्ध रचनात्मक उपस्थिति का परिचायक है। तीखे राजनीतिक प्रहारों की उम्मीद में शरण घोष की कविता का टोन कई बार आलोचकों को असहमत भी करता रहा है, मगर तटस्थता का यही चुप हस्तक्षेप शरण घोष की कविता है। वह सामयिक रहते हुए इसी तरह हर समय में प्रासंगिक बनी रह सकती है। जैसा कि जोशना ने भी उनकी यमुनावती कविता के बारे में बताया, तो मैं उस पर अब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसी से जी जो बात है कि जब कई लेखक और पाठक उनकी मार्क्सिस्ट कविता और उसके प्रभाव में उन्हें वाम दृष्टिकोण का कवि घोषित करते हैं, तो समास पत्रिका में सुमन मुखोपाध्याय से उनकी जो बातचीत प्रकाशित हुई उसमें शरण घोष खुद के हवाले से भी कहते हैं कि दृष्टिकोणगत एक एक परिभाषा के द्वारा आलोचकगण अपनी सुविधा के लिए कवि को एक एक वर्ग में डालना चाहते हैं, कोई भी सच्चा कवि उन खांचों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता है, एक अच्छी कविता इन खांचों से सदा मुक्त रहती है।
वे हमेशा से स्टैंड लेने वाले बुद्धिजीवी रहे हैं और उनकी यह तटस्थ सक्रियता इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल के समय उनकी कविताओं पर प्रतिबंध, बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखाओं के बढ़ते प्रभाव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना और नंदीग्राम सिंगूर से लेकर ममता बनर्जी सहित सभी सरकारों और पार्टियों की आलोचना तक रही है। विश्व भारती के प्राध्यापक विश्वजीत रे ने घोष के निधन के पश्चात द प्रिंट में प्रकाशित आलेख में लिखा कि घोष का यह तरीका टैगोर के तरीके से मिलता है। टैगोर ने भी अपने आप को सीधे राजनीतिक आग्रहों से दूर रखकर बाहर से विरोध के तरीके को अपनाया था। अपने आलेखों में वे किसी घटना विशेष के जरिए शुरुआत कर उसके वैश्विक सरोकारों और प्रश्नों तक जाते हैं। मसलन छात्र जीवन में सुभाष चंद्र बोस के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षक से हुए विवाद और निष्कासन पर टैगोर ने अपने लेख में इस मुद्दे से होते हुए टैगोर अपने लेख में इस मुद्दे से होते हुए गुरु शिष्य परंपरा की ओर रुख करते हैं। चंद्र बोस भी अपने लेखन में इसी प्रस्थान की तरह टैगोर का अनुसरण करते हैं। टैगोर की साहित्यिक विरासत के विद्वान शंख घोष की कविता पर बहुत दूर तक एकला चलोरे के प्रभाव को इस तरह महसूस किया जा सकता है। किसी भी रचनाकार की उपस्थिति को देखने के मोटे मोटे दो गुण हो सकते हैं, उसकी स्वयं की लेखक की उपस्थिति और लेखक की सामाजिक उपस्थिति। शंख घोष का रचनाकार लेखकीय उपस्थिति के रूप में अपने लोक से जितना लेता है उतना ही अकादमिक प्रतिनिधि बतौर विद्यार्थियों और लाभार्थियों को बांटता भी है। इस दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग पर उसकी करवट पर उनकी नजर रही, यहीं से उनकी कविता निकली और निखरी। इस तरह उनकी रचनात्मकता के केंद्र में माटी मानुष की गंध गूंज हमेशा बनी रही। स्थानिकता का यही स्रोत और रचना की ईमानदारी उनकी कविता को मौलिक, तात्विक और रम्य ही बनाते हैं। उनके भाव भले स्थानीय हैं मगर उसके दृश्य और विचार और अनुभूति और चिंताएं मानवीय तथा वैश्विक हैं। मेरे जैसे हिंदी बोलने वाले पाठकों के लिए शंकर घोष की कविता में जाने का रास्ता अनुवाद की भाषा है। निश्चित रूप से उनकी कविता अपने परिवेश से उपजी है। टैगोर के उद्घोष की तरह जहाँ वे मातृभूमि के प्रति प्रेम को सोना बांगला कह रहे, शंकर घोष की कविता भी अपने उद्गम में अपनी मिट्टी और चरों से ही उपजी और निखरी है। जिस फिल्म का जिक्र किया था और जो स्मृति की बात थी वो अवचेतन में इस इतनी उनके भीतर बह गई थी। और एक कविता है सांस, उसका मैं अनुवाद करना अनुवाद पढ़ रहा हूँ आपके समक्ष। अन्यथा बहुत धीरे से बोलना, अन्यथा मुझे सुनाई नहीं देगा। डर के मारे बहरे हो चुके हैं मेरे कान, अंधी हो चुकी हैं मेरी आंखें, अपनी ही छाया में जुड़ता जा रहा है शरीर। मैंने अपनी सांसों के लिए इन बेदम उंगलियों से घास पर जमी ओस की न्यूनतम बूंद को जकड़ रखा था। उनके रोष में भी एक किस्म की उदासी है, उनकी कातरता में भी बहुत महीन संवेदना है, उनकी विवशता में भी एक ओज है। और ये विरोधाभास उनकी कविता चींटियां में दिखता है। चार्ली चैपलिन ने का एक बहुत ही मशहूर कथन है कि जीवन क्लोजर शॉट में त्रासदी है और लॉन्ग शॉट में हास्य। जीवन की विद्रूपताओं में हास्य और त्रासदी का संगसात है, ये इस कविता में लक्षित होता है। और इस कविता की पहली पंक्ति बंदूक की गोली की तरह ठाई की तरह लगती है। इसका अभिधा पाठ जितना सरस और रोचक है व्यंजना पाठ उतना ही मारक। ये चींटियां कविता है। चींटियों उगा लो पंख और नहीं सह सकता तुम्हारी कतार यह देख नहीं सकता। और खाना रखा है अलमारी में पर वो तो रखा है मेरे लिए, तुम क्यों खाती उसे? बड़ी बुरी आदत है। अलमारी प्लेटें किताबें बरामदा उजाड़ मेजपोश बिछौनी। बातचीत में वो कहते हैं एक लेखक की एक शिल्पी की सबसे बड़ी परीक्षा तो विरोध
सहन करने की क्षमता में है। समाज की, प्रकृति की और विश्व विधान की सतत विरोधिता को हृदय पर छेड़ने की क्षमता ही एक शिल्पी की असली क्षमता है। इतने दशकों में उनकी लेखक की प्रतिबद्धता जो राजनीति और समाज से होकर शैक्षणिक और अकादमिक भी है और व्यापक अर्थों में जीवन की अनुभूतियों से होते हुए देशकाल से लड़ते हुए उतनी ही क्रांतिकारी भी और दार्शनिक अर्थों और सवालों से गुजरकर शब्द के मौन में अपनी जगह की तलाश करती आध्यात्मिक थी। बिल्कुल अपने उनके अपने जीवन की तरह इसमें बांग्लादेश के वाड़ारीपाड़ा और पाक्षी जिले में पद्मा और संध्या नदी के किनारे बचपन की यादों के बाद कोलकाता और उसके बहाने अपने समय, समाज और सहभागिता की यात्रा शामिल है। संध्या नदी चल से शीर्षक से कविता है, उसका अंश है, तुम्हारी धारा में है मेरे हाथ, गवाह रहना संध्या नदी चल, सुबह सुबह तुम्हारे दुखों के पास बैठा हूँ, यहाँ बैठकर सोचता हूँ, मेरा संबंध है स्थिर रहना, मेरी नदी का नाम है संध्या नदी और तुम उसका जल हो। शुक्रिया। आखिरी वक्ता के रूप में मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। तो बांग्ला कविता के शीर्षस्थ कवि शंख घोष लगभग 6 दशकों तक सक्रिय रूप से लिखते रहे और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनका लेखन इतने लंबे समय तक प्रासंगिक बना रहा। इनके पॉलिटिकल जो इनका हस्तक्षेप रहा इस पर भी बात हुई है और जोशना जी ने बातें की और विशाल जी ने उल्लेख किया कि तुम किस दल के हो, तो यह बात भी सच है कि शंख घोष को कोई राजनीतिक दल पचा नहीं पाया। नंदीग्राम की पुलिस हिंसा के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, फिर कुछ साल बाद तृणमूल द्वारा चलाई जा रही राजनीतिक हिंसा के विरोध में भी लिखा, इस पर भी बात हो चुकी है। तो यह बात तो सर्वमान्य है कि कवि स्वभाव से ही विद्रोही होता है। अपने एक निबंध में शंख घोष लिखते हैं, कवि शब्द ही विद्रोहवाचक है, कारण कि जीवन में षड्यंत्रमय वस्तु समूह के मारक अवस्थान जो स्वीकार करने से मना कर देता है तथा ऐंठ कर बैठ जाता है वही कवि है। अब सवाल उठता है कि ये वस्तु समूह के मारक अवस्थान कौन से हैं? क्या ये अवस्थान सिर्फ वैयक्तिक, सामाजिक या राजनीतिक है? इस पर बाद में आते हैं। प्रासंगिकता अपनी जगह पर है, जरूरी नहीं कि जो प्रासंगिक है वो महान भी हो। परंपरा के हवाले से बात करें तो श्रेष्ठतम कवियों की प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ती रहती है। किसी भी कवि का जीवन काल उनकी प्रासंगिकता साबित करने के लिए अपर्याप्त होता है। अपने अनुभव से कहूँ तो कवि की तात्कालिक प्रासंगिकता मुझे बहुत ज़्यादा आकृष्ट नहीं करती। किसी भी कवि को पढ़ते हुए मैं इन बातों से इतर दो पहलुओं पर अधिक विचार करता हूँ। पहला है कविता में नयापन का और दूसरा कविता में सत्यान्वेषण का। पहले कविता में नयापन की बात करते हैं। यहाँ भी मुझे विषयगत नवाचार से कहीं अधिक भाषा या अभिव्यक्ति का वैशिष्ट्य प्रभावित करता है। अपनी खुद की मातृभाषा होने के कारण मैं शंख घोष से बांग्ला में मुखातिब हो पाया। हमारे कवि की भाषा सहज है लेकिन इसमें उच्छ्वास और आवेग भरा हुआ है। बांग्ला भाषा की स्वर प्रधान ध्वनियाँ इन कविताओं में सहज गीतात्मकता भर देती हैं। इनके शब्द कहीं भी अर्थ को बाधित नहीं करते, इसके विपरीत इनकी ठेठ, देशज और तत्सम शब्दों की ध्वनियों से गूंजती भाषा कविता के अर्थ को नए आयाम देती है। इस सहस्रमुखी कवि के स्वर में कई बोलियां, लय और ताल समाहित हैं। कवि सरल से सरलतम भाषा में अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन कवि के ही शब्दों में कहें तो इतना सहज नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, यह भी बीच बीच में। शिल्प को ये विशेष महत्व नहीं देते, उल्टा ये किसी भी प्रकार के चातुर्य के खिलाफ है। अपने निबंध निःशब्द की तर्जनी में शंख घोष लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्लियों की आंखों से भर गया है समाज, चातुर्य बहुत ही अनायास, सुलभ और सर्वसाध्य हो गया है। बहुत खुले ढंग से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देख सके, आज यही सबसे मुश्किल हो गया है। अपनी कविता बहुत मूर्ख है, दुनियावी नहीं है, मैं भी कभी इसी चतुरता से विरक्त नजर आते हैं। बड़ी बड़ी बातों से उठाए हुए उनका भी यही मन कर रहा है कि नहाकर, धूप जलाकर चुपचाप नीले प्रकाश में बैठे रहें। अपनी एक और कविता बातों के भीतर बातें में इसी सहजता को महत्व देते हुए कहते हैं, सहज भाषा तुम भूल गए हो, इस मूसलाधार बारिश में आओ नहा लें। मार्क्स मानते थे कि उच्च विज्ञान यानी हायर साइंसेस अंत में जाकर गणित में समाप्त होते हैं, यानी वे अमूर्त हो जाते हैं।
भारतीय काव्य शास्त्रीय चिंतन में भी इससे मिलती जुलती बात आती है कि उच्च कलाएं संगीत की ओर अग्रसर होती हैं। कलाएं अंतोदगत्वा संगीत में और संगीत आगे चलकर नाद में विसर्जित हो जाना चाहता है। प्रोफेसर मैथ्यू हिरण्णा ने आर्ट एक्सपीरियंस में बात समझाई है कि कैसे अभिनव गुप्त के नाट्य शास्त्र में संगीत शब्द का अर्थ ही गीत वाद्य नृत्य और अभिनय के कुल योग से बना है। ये विधाएं आगे चलकर अलग हुई है। आचार्य आनंदवर्धन ने भी ध्वनियालोक में बार बार संगीत के उदाहरण देकर ध्वनि के विभिन्न सिद्धांत स्पष्ट किए हैं। कविता संगीत की ओर तभी अग्रसर हो सकती है जब उसमें स्वाभाविकता का गुण हो, वो नेचुरल हो। इस अर्थ में कविता एक स्वाभाविक विधा होती है और अच्छा कवि स्वाभाविक कवि होता है, नेचुरल पोएट होता है। सहज भाषा की चाह रखने वाले कवि का अचानक बारिश में नहाने की इच्छा जाहिर करना भी इसी स्वाभाविकता की ओर लक्षित करता है। सामान्य संबंधों या प्रचलित उपयोगों की अवमानना करवाती है, नई भाषा की सृष्टि करवाती है। इसका एक उदाहरण है भाषा उनकी कविता। मैं कविता नहीं पढ़ता हूँ, समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कविता है ये एक हाइपर एल्यूनेटेड समाज की ओर इशारा करती है। कविता की भाषा अवचेतना के नजदीक की भाषा है। इस कविता के उदाहरण, इस कविता को पढ़िएगा, भाषा आपको ये बात पता चलेगी। लगा मानते थे कि कविता का प्रभाव केवल ऐंद्रिक नहीं होता बल्कि वो रिक्ति निर्माण जैसा काम भी करती है। पोएट्री इज अ सेंस इफेक्ट बट ऑल्सो अ होल इफेक्ट। इस अर्थ में समझें तो कविता हमारे जिंदा होने की दशा की उसके सघनतम रूप में अनुभूति करवाती है। भाषा, सत्यान्वेषण, विद्रोह चेतना सभी इसके अलग अलग आयाम हैं। कविता का एक विद्रोह भाषा की सत्ता के खिलाफ निरंतर चलता रहता है। भाषा की तानाशाही सबसे डरावनी होती है, वह विवेक और विचार को बाधित करती है, फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। यहीं पर कवि का सत्यान्वेषी होना, दूसरे शब्दों में कहें तो उसका विजन का काम करता है। शंख घोष की कविता निग्रो बंधु को चिट्ठी, उत्कर्ष ने इसका उल्लेख किया था, इसका एक विलक्षण उदाहरण है। रिचर्ड नाम के अशेष व्यक्ति को संबोधित इस कविता का फॉर्म बेहद आत्मीय है, लगभग किसी पुकार जैसे। रिचर्ड, यह नाम तुम्हारा, तुम्हारा शब्द मेरा भी। रिचर्ड 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 कौन? कोई नहीं, रिचर्ड मेरा शब्द नहीं। रिचर्ड, नाम यह तुम्हारा, स्वप्न मेरा भी। रिचर्ड रिचर्ड कौन? रिचर्ड कोई नहीं, रिचर्ड मेरा स्वप्न नहीं। रिचर्ड, नाम यह तुम्हारा, दुख मेरा भी। रिचर्ड 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 कौन? कोई नहीं, रिचर्ड मेरा दुख नहीं। हमारे कवि की एक उक्ति मशहूर है, एक दूसरे की समस्याओं, उद्देश्य और आकांक्षाओं को समझना ही फिलहाल साहित्य और कला का सबसे बड़ा काम है। तो क्या इस कविता में कवि अपने ही सिद्धांतों के साथ दोगले हो रहे हैं? रिचर्ड या रिचर्ड जैसे किसी भी शोषित मनुष्य के समर्थन में आज कितने ही कवि लंबी लंबी कविताएं लिख लेंगे, लेकिन उनके कितना सत्य होगा? वहीं शंख घोष की कविता में कवि एक अश्वेत बंधु के प्रति हमदर्दी ना दिखा पाने की अपनी बेबसी का बयान कर रहा है। क्या इस कठोर सच की स्वीकृति ही घनघोर करुणा की सृष्टि नहीं करती? कवि के लिए यहाँ पॉलिटिकली करेक्ट होना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो भाषा की एक सत्ता है, हमें सत्य से दूर ले जाने का एक और इजाद। इनकी अनेक कविताओं में इस तरह सत्य की बलिवेदी पर पॉलिटिकल करेक्टनेस की धज्जियां उड़ती है। नस्ल भेद से टकराती इनकी एक और कविता सफेद काला की आखिरी पंक्तियां देखें। तभी मेरे सामने कांपते हुए खड़ा हो जाता है वाशिंगटन का एक और बहुत बेदम बूढ़ा, फटे कपड़े थे सीने पर और ढेले खा रहा था जो, पर फिर भी उंगली उठाकर कह रहा था, सुनो, आई एम ब्लैक, ओ यस आई एम ब्लैक बट माई वाइफ इज वाइट। शंख घोष की कविता का क्षेत्र बंगाल से लेकर पूरे विश्व तक विस्तृत है। हालांकि उनका जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ और अधिकांश जीवन कोलकाता में बीता, ये जीवन भर खुद को उद्वास्तु मानते रहे। उद्वास्तु यानी जिसकी कोई जड़े ना हो। इनकी कविताओं में भी यह बात ध्वनित होती है, ज्योत्सना जी ने भी इसका उल्लेख किया है। कोलकाता पर इनकी कविता है जिसके बारे में भी बात हो रही थी, उसकी आखिरी पंक्तियाँ, ए सोना बिबियामिना आमारे तुई बाइंदा राखीस जीवन भैया आमी तो आज कोलकाता जाऊना, ये बिल्कुल एक बांग्लादेशी ध्वनि है ना, भाषा है। ये कविता सहज ही मंगेश डबराल की कविता शहर की याद दिलाती है, जिसमें कोई शहर में कैसे रह सकता है ये जानने में शहर आते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। केदारनाथ सिंह की कविता गांव आने पर याद कीजिए, जिसमें वे ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं कि दिल्ली ना आए बीच में। जहां जीवन बीता उसी जगह को बाहर से देखना, यह धारणा शंख घोष की काव्य चेतना में गहरी है। इनकी कविता है घर, जिसमें कवि ने अपने मन का घर ढूंढ लिया है, लेकिन अब उसे यथार्थ में दुनिया के बाहर घर चाहिए। एक अन्य कविता में कवि कहते हैं,
हमको नहीं दी कोई मातृभाषा देश ने। इनकी एक और मालवीय कविता है देशांतर, जिसमें कवि एक देश से दूसरे देश, एक घर्षण से दूसरे घर्षण की ओर चलता जाता है। भोर होने से जरा पहले सीमा रक्षक की गोली उसे लगती है। अपनी मृत्यु से ठीक पहले भी कवि नहीं समझ पाता कि किस देश के लिए उसने अपने शरीर का बलिदान कर दिया। यहाँ एक विपर्य भी है, दुनिया के बाहर घर चाहिए लेकिन कल्पना का घर तो है, देश कभी खुद तो नहीं है। अभी बाबर का स्वप्न के बारे में भी विशाल जी बात कर रहे थे, तो ऐसा ही सवाल उन्होंने खड़ा किया था। वो कवि का अपना जीवन कवि के सामने से गुजर रहा है। हमारे कवि का मैं इतना व्यापक है कि कविता कतार में वे मानुष, माछी, मक्खी और अंधकार के साथ एक सर्पिणी कतार में खड़े हैं। वे इन सबको बार बार आगे सरकने को कहते हैं। इन्हें जल के संग स्रोत के सम्मुख होना है, मुख के संग प्रकाश के सम्मुख होना है। ध्यान देने वाली बात है कि कवि ने खुद को कविता के मानुष से अलग रखा है। कविता में कवि लगभग कायाहीन है, उनकी उपस्थिति उनकी पुकार भर है। इनकी एक और चर्चित कविता है वृष्टि, ये आखिरी कविता का कुछ अंश में पढ़ूंगा। शुरुआती कुछ पंक्तियां पांगला में देखते हैं। आमार दुखेर दिन तथागत, आमार सुखेर दिन भासमान, एमन वृष्टिर दिन पथे पथे, आमार मृत्युर दिन मने पड़े। मेरे दुख के दिन तथागत हैं, मेरे सुख के दिन भासमान, ऐसे बारिश के दिन रास्ते पर अपनी मृत्यु का दिन याद आता है। जीवनानंद की पंक्तियों के सहारे कहें तो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी मानव रह जाता है। शंख घोष पिछले साल कोरोना से चल बसे, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य है कि जीवन भर मनुष्य अपने जीवित होने की दशा की अनुभूति करता है। ऐसा करते हुए वह हर दिन मृत्यु को मात देता है। कवि का काम इससे भी आगे का काम होता है। उसका काम सिर्फ अनुभूति नहीं, अभिव्यक्ति भी है, सत्यान्वेषण भी है, और ऐसा करते हुए वह शायद और भी व्यापक रूप में मृत्यु के बाद भी टिका रहता है। धन्यवाद। इतनी सघनता से चल रहा था कि उसके बीच में रोकना उचित नहीं हुआ, पर हम एक घंटे लेट चल रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके मंच पर ही पड़ेगा और किसी चीज पर नहीं। हमने कोई शहर से लोग आमंत्रित, ये एक आपस की गोष्ठी है, इसमें सभी लोग एक दूसरे के श्रोता और वक्ता हैं, इसलिए हमने बाहर से कोई दो काम नहीं किए हैं बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल दूसरा सत्र अब शुरू होगा। बाबूषा कोहली, अलका प्रकाश, अदनान वकील दरवेश, अरुणाब सौरभ, विहार वैभव, क्या नाम है अरुणाब सौरभ विभाग वैभव, संस्कृत का भी शुभम मोगा, कुमार मंगलम, संयोग पर सारे नाम जो है बाबूषा कोहली में ही थोड़ा बाबूषा मंगलम अज्ञात वो है, हल्का प्रकाश अदनान ठीक है, बाकी